हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते रफ्तार और हनुमान काइंड से। तो बिग डॉग्स ट्रैक जब से वायरल चल रहा है तो आप लोगों को पता ही है कि ये ग्लोबली वायरल हुआ है। तो कुछ लोग जो है वो इस ट्रैक के नीचे इंडियन की बजाय केरला कह रहे हैं कि केरला का ये आर्टिस्ट है, केरला के लोग अलग होते हैं। ऐसे ही काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है इसके कॉमेंट सेक्शन में। साथ ही मिट्टू डॉन की तरफ से भी जो स्टोरी आई थी उसमें भी वो कुछ ऐसे ही कहते हुए दिखे थे। भाई वो गाने के बारे में क्या बोल दिया मैंने, तो मैं सारे तो तू गा दे, गा देंगे भाई गा देंगे, एक बार सुन लूं, मैं तो सुना ही नहीं अभी ढंग से, पहले फिर गा के दिखा दूंगा, अभी रुक जाओ। अरे भाई ये भाई मैं बताता हूँ, ये जस्ट केरला इट थिंग्स क्या है। अब समझ गया मैं जस्ट केरला इट थिंग्स क्यों बोल रहे थे। ये मल्लू पोन, मल्लू पोन तो सुना ही हो तुमने, बचपन सुनता आ रहा हूँ तो मल्लू पोन, लिरिक्स भी पोन से उठा रखे हैं जी। क्या ये क्या ये मल्लू पोन लिरिक सॉन्ग, just Kerala thing sir, not Indian sir, just Kerala thing। तो अभी रफ्तार जो है वो इस चीज को क्लियर करता है और कहता है, मेरे मुझसे समझदार चीतो, मेरी एक बात पे ध्यान देने की कोशिश करना, केरला भारत में ही है और मैं भी केरला का मलयाली ही हूँ। मैं हरियाणवी में भी गा के खुद लिख के बैंगर मारता हूँ और मलयालम भी अच्छे से समझता हूँ। यही है भारत की असली पहचान, कोई केरला से हो या कश्मीर से, वो कहलाया भारतीय जाता है, चाहे ओलंपिक्स हो या बिलबोर्ड, अब जीत तो हमारी ही है। हैशटैग एडमॉन हैप्पी आले। तो अब बात कर लेते केडन शर्मा के बारे में। तो इक्का की वो एक क्लिप शेयर करते हैं जिसमें इक्का जो है वो कमर्शियल और हिप हॉप के बारे में बात कर रहे थे कि हम दोनों बना सकते हैं। तो केडन शर्मा को भी काफी ट्रोल करा जाता है कि वो कमर्शियल आर्टिस्ट ज्यादा है लिरिकल से। तो वो कहते हैं, लोगों से नहीं बनता, फैक्ट्स। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।